दोस्तों, आज हम आपसे नागपुर सेंट उर्सुला स्कूल के प्रिंसिपल और एमआरबीई के सेक्रेटरी रचना सिंह, जिन पे सीएनआई गोल्डन जुबली केस में मामले में 420 यानी कि धोखाधड़ी सहित अन्य मामला इन पर इनके साथियों पर दर्ज हुआ है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया। आज हम आपको एक ऐसे क्लिप साझा करने जा रहे हैं जो फुल इंटरव्यू है रचना सिंह का। बीसीएन ने उनका फुल इंटरव्यू लिया था और वो इंटरव्यू हम साझा कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक कि लगभग 40 मिनट का इंटरव्यू चला और हमने जब उनसे सवाल जवाब किए तो कोई भी जवाब उनका प्रत्युत्तर वन लाइन आंसर नहीं था। घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के बातों को दिखाई बताना, लोगों को दिखाना, इस तरीके से उनका जवाब था। यानी कि अगर मैं एक क्वेश्चन को, अगर मैं उनके तरीके से बहुत लेंदी जो उन्होंने बताए हैं, अगर ऐसे दिखा के एक एक चीज़ को मैं कोशिश करूं तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है और एक दर्शक के लिए इतना लंबा देखना उचित भी नहीं है। इसलिए जितनी इम्पोर्टेंट जो रिप्लाई है उन रिप्लाई को हमने अभी तक साझा किया, लेकिन इसका एक क्लिप हम फुल वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी बात, उनके साथ उस दिन इस इंटरव्यू में कुछ उनके सहयोगी भी उपस्थित थे और बीसीएन जैसा कि हमेशा सच दिखाता है, सच दिखाता है, इसलिए उनके साथियों को भी हमने वीडियो रिकॉर्ड करने दिया अपने उनका पर्सनल मोबाइल से। अगर हम सच दिखाने से ज़रा भी कतराते तो शायद हम उन्हें ये नहीं करने देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारी कोई ऐसी भावना कभी नहीं रही कि हम किसी चीज़ को छुपाएं या फिर आप तक सच ना लेकर आए। हमारी एक ही भावना है जो सच दिखाए बिना छुपाए, और वही भावना को लेकर के हम आज तक आपके साथ चलते आ रहे हैं। रचना सिंह के ऊपर सिर्फ नागपुर में ही 420 धोखाधड़ी के मामले दर्ज नहीं हुए। धर्म की आड़ में सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के अजमेर से भी सूत्र बताते हैं, और कुछ एफआईआर की कॉपी भी हमारे तक आई है जिसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। उनके ऊपर वहाँ भी कुल 33 आरोपी में एक रचना सिंह का नाम भी है, पीसी सिंह का भी नाम भी, और अन्य कई भी शॉप भी उसमें शामिल है। वहाँ भी यानी कि महाराष्ट्र तो छोड़िए, राजस्थान में भी रचना सिंह के ऊपर 420 सहित अन्य धाराएं दर्ज है। और पता नहीं ऐसे कितने स्टेट में धोखाधड़ी के मामले इनके ऊपर दर्ज है। कहा जाता है कि सच की चोटें फौलाद से कम नहीं होती हैं, और शायद ये सच की चोटें ही हैं जो अभी फौलाद बनकर जो आरोपी है उन सभी के ऊपर, उनमें रचना सिंह भी लिप्त है, सिर्फ उन्हीं का नाम नहीं, इन सभी आरोपियों पे ये चीज़ें लागू भी होती हैं। दोस्तों, उनसे जो भी सवाल जवाब हुए हैं फुल इंटरव्यू के बावजूद भी, हम आपको अपने एपिसोड्स में हर एक टॉपिक पे उनसे किए गए सवाल जवाब का डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन के साथ हम आप तक साझा करेंगे। लेकिन आप ये उनका फुल इंटरव्यू जब चाहे तब हमारे अपने यूट्यूब बीसीएन के यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, और जो भी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो और हम सिर्फ सच दिखाएं। मैं भी धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने पहली बार जी जो है मुझे इनवाइट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपका तो काम मीडिया का है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगी जब आप सच्चाई से जी सब सच सामने लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार, आज की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच आज उपस्थित हैं एमआरबी की सेक्रेटरी रचना सिंह मैम। पिछले कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि बार बार सीएनआई का जिक्र हुआ, एनडीटीए का जिक्र हुआ, एमआरबी का जिक्र हुआ, बिशप कॉटन स्कूल का जिक्र हुआ, और बार बार एक नाम आया जो नाम था रचना सिंह। और आज रचना सिंह मैम हमारे बीच उपस्थित हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे बीसीएन में, आप आए, आपको आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू। हमेशा से सवालों में आप घिरे रहे हैं, खास करके बीसीएन में तो आप ज़्यादा ही घिरे रहे। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम कि आप एमआरबीई की सेक्रेटरी कब बनी? मैं 2018 में जी एमआरबी की सेक्रेटरी बनी। ओके। एंड उसके पहले भी मैं एमआरबी में कोई ना कोई नाते से, जैसे ट्रेजरर थी मैं जी, और अलग अलग पोस्ट भी होल्ड किया है, सिंपल मेंबर भी रह चुकी हूँ मैं जी, और उस नाते से एमआरबी की मैं मेंबर काफ़ी सालों से हूँ। अच्छा, एज ए सेक्रेटरी आप 2018 से 2018 से ऐसा बोल सकते हैं, राइट? मैम, एमआरबी का एक्चुअल वर्क क्या होता है कि एमआरबी क्या काम करती है? महाराष्ट्र रीजनल बोर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो ट्रस्ट है, जैसे एमआरबी के अंतर्गत में 19 स्कूलें आती हैं, वो पूरी की पूरी विदर्भा में है जी, और उस स्कूलों की का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है जी,
और जो अन्य प्रकार के एजुकेशनल हम कहेंगे वर्क से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, हॉस्टल मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो एमआरबी के दो ही एस्पेक्ट हम देखेंगे, एक है इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड और हॉस्टल से रिलेटेड। क्या एमआरबी का ऐसा कोई काम है कि जो आपके जितने भी स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स के मैनेजमेंट को देखना, उनके चीज़ों को, प्रिंसिपल वगैरह को देखना कि कौन सी चीज़ें कैसे काम कर रही है, इस पर खास करके एमआरबी का क्या ध्यान होता है क्या? बिल्कुल होता है। एमआरबी जो है एक बहुत ही सुंदर मॉडल की तरीके से हम देखते हैं कि एक ट्रस्ट को जैसे ऑपरेट करना चाहिए उसी प्रकार से ये चलता है, जैसे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत में और चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड है ये जी। तो इसके थ्री टायर सिस्टम है। सबसे पहले जो एमआरबी में जो मेंबर्स है जी, इसे हम ट्रस्टीज कहेंगे जी। फिर सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो देखभाल और डे टू डे वर्किंग के लिए हम एरिया कमेटी कहेंगे, और तीसरा जो है वो MEPS एक्ट ऑफ 1977 के हिसाब से स्कूल कमिटीज होते हैं। तो ये थ्री टायर सिस्टम है जी। तो मैम, जो मैंने सवाल किया कि क्या उसमें आप स्कूल के जो आपके प्रिंसिपल हैं, फॉर एग्जांपल जिस भी स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, बिशप कॉटन फॉर एग्जांपल आपके CBSE हो या फिर आपके सेंट उर्सुला हो या फिर बिशप कॉटन का स्टेट हो, तो क्या इन लोगों के प्रिंसिपल वगैरह के जो पेमेंट है क्या वो MRB के द्वारा ही किया जाता है? इसका प्रोसीजर ये है कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उनकी तो नेचुरली तनख्वाहें जो है वो गवर्नमेंट के तरफ से ही जाती हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो नॉन ग्रांटेड स्कूल्स हम जिसे कहेंगे जी, उनकी तनख्वाहें जो है वो स्कूल कमेटी के द्वारा जो नियुक्त करी जाती है और एरिया कमेटी में जो ठहराया जाता है उसके बाद MRB में जो उनकी वेतन ठहराई जाती है जी, उसी हिसाब से दिया जाता है। और ये स्कूल कमेटी का प्रेरोगेटिव होता है कि उसके साइनिंग अथॉरिटीज कौन है। तो क्या सभी स्कूलों के साइनिंग अथॉरिटी MRB की सेक्रेटरी आप हैं? नहीं नहीं, बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ पे तय किया गया है, रेजोल्यूशन लिया गया है, जहाँ पे ट्रेजरर भी है और हेडमास्टर भी है। अच्छा जी, तो मैम एक इससे एक चीज़ ये समझ में मुझे आ रही है कि MRBE का जैसा वर्क है कि स्कूल पे ध्यान देना जी, स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कैसी चीज़ें चल रही हैं, कोई प्रिंसिपल कैसा काम कर रहा है, कौन छुट्टी पे है, क्या है, वो सारी चीज़ें MRBE मुझे लगता है कि ध्यान देती है, उसमें होता है कंसर्न होता है। तो आपके ऊपर कौन ध्यान देता है, आप भी एक प्रिंसिपल हैं जी? बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर सवाल कहा, क्योंकि मैं जब भी आउट स्टेशन लीव जाती हूँ जी, या फिर मैं जब भी मेरे को कुछ चीज़ की परमिशन लेनी रहती है जी, तो मैं मेरे कमेटी के द्वारा ही ये करती हूँ। दूसरी छुट्टी जब मुझे लेना है तो मैं मेरे कमेटी मेंबर्स को बताती हूँ, मेरा ईमेल जाता है जी। उसके अलावा मैं अपॉइंट करके जाती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जो मेरे एब्सेंस में स्कूल देखता है, वो नॉर्मली मेरा वाइस प्रिंसिपल रहता है और मैनेजमेंट के दो व्यक्ति रहते हैं जी। तो ये प्रोटोकॉल सभी को फॉलो करना है, स्पेशली जो हेडमास्टर्स हैं उनके एप्लीकेशन मेरे पास आता है, मेरा एप्लीकेशन नॉर्मली गोज टू द चेयरमैन एंड टू द अदर मेंबर्स, जिसके द्वारा हाँ, कोई भी काम में हिंड्रेंस नहीं होती जी। मैम क्या ऐसा बोलूं कि एक एम्प्लॉय ही एम्प्लॉयर बन गया आपके MRBE के हिसाब से, आप एक एम्प्लॉय भी हैं और अपने आप में एक एम्प्लॉयर भी हैं, तो एम्प्लॉय ही एम्प्लॉयर बन जाए तो क्या ये कहीं ना कहीं नहीं, ये आपका जो क्वेश्चन है जी, ये मैंने हाल ही में बहुत सी जगहें देखा कि ये किसी एक इंडिविजुअल ने ये बात उठाई है जी, जिसने बहुत साल तक फ्रूटफुली शी हैज और ही हैज एंजॉयड द सर्विस। अब वो एलिगेशन मेरे पे ऐसे लगा रहे हैं कि आप एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? आप अगर कोई भी कॉलेज का ट्रस्ट देखोगे जी, या कोई स्कूल का ट्रस्ट, कोई MEPS देखोगे आप, स्कूल कमेटी, तो द प्रिंसिपल इज द सेक्रेटरी। आप MEPS में देखिए जो रूल बुक है जिसके द्वारा हम चलते हैं, तो द हेडमास्टर ओनली इज द सेक्रेटरी। मासी इससे पहले क्या थे? मिस्टर मसी जो थे वो ट्रेजरर थे CNI सेनेट के और UCNITA के मैनेजिंग डायरेक्टर, और MRBE के ट्रस्टी भी थे वो बहुत साल तक। तो अच्छा, आपसे पहले MRBE के सेक्रेटरी कौन थे मैम? मेरे से पहले मिस्टर सुदीप्तो सिंह, वो मिस्टर अलवान मसी,
मिस्टर सुदीप्तो सिंह जो थे वो एडहॉक कमेटी थी, मतलब क्योंकि यहाँ पे झगड़े चल रहे थे जी और ये मैटर चैरिटी कमिश्नर में चल रहा था, जी तो सुदीप्तो सिंह को बनाया गया था। उसके पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर अलवान मसीह, वो गया था क्योंकि मेंबर्स उतने नहीं थे, दे वर वेरी फ्यू लिमिटेड मेंबर्स। लेकिन मिसेस प्रिया चौहान भी थी जो हेडमिस्ट्रेस थी, जी क्या बोलना चाहिए, गार्डनर स्कूल की। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हेड मिस्ट्रेस ही MRBE की सेक्रेटरी बन सकती है, यस, आप क्योंकि इस चीज़ को। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन वही कहता है, जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे जी। हिस्लप कॉलेज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है। और आप स्कूल के हेड मिस्ट्रेस कब से हैं, और 2001, सेंट उर्सुला के 1 अक्टूबर 2001। से अभी तक हैं आप? जी, अच्छा, आप कब तक रहेंगे, रिटायरमेंट का क्या, अभी कितना समय बाकी है आपको? जो January 24 में रिटायरमेंट है मेरा। अच्छा मैम, रातों रात कुछ अमेंडमेंट कर दिए गए मुंबई में, इस बारे में आपका क्या कहना है? रातों रात नहीं करेंगे, अच्छा इसका आदेश आया था जी क्योंकि मैटर्स बहुत क्रिटिकल हो गए थे। जी कुछ हेडमास्टर्स ने ऑटोनॉमी बना ली थी, जी बिशप कॉटन धर्मपेट उनमें से एक था। जी उसके बाद सेंट पॉल्स स्कूल भंडारा एक था, जी सेंट एंड्रू स्कूल वलनी थी जहाँ पे ऑटोनॉमी बन गई थी, और उसकी वजह से वहाँ पे एक बॉडी बना करके भेजी गई, और उस बॉडी को जो पुराने ट्रस्टीज थे उन्होंने अधिकार दिया था कि किस तरीके से चेंज करना था। इसकी ड्यूली परमिशन CNI सीनेट से आई थी, तो यह रातों रात नहीं हुआ है। कुछ एलिगेशन ऐसे भी लगाए कि रातों रात मुंबई के किसी एडवोकेट को, जानकारी के हिसाब से कोई मिस्टर हुले नाम बताया जा रहा है, उसको 15 लाख रुपए आपके तरफ से दिया गया और कुछ अमेंडमेंट हार्ड एंड फास्ट में कराए गए। ये तो बिल्कुल गलत है। कल मैं कहूंगी कि मैंने जाके ताजमहल खरीद लिया, या मैंने आपको ताजमहल गिफ्ट आप कर इसको दी। खारिज करते हैं? हाँ बिल्कुल, रद्द करती हूँ मैं अच्छा ये। हम ये क्वेश्चन के द्वारा वी आर मेकिंग मॉकरी जी ऑफ द चैरिटी कमिश्नर जी एंड वी आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द लीगल सिस्टम। हम किसी के ऊपर इस तरीके का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जो चीजें आई हम है वो लोगों तक आई आपको, है, इसीलिए तो मैं आपसे आपने ये क्लियर कर रहा पूछा, हूँ मैं बिल्कुल, आई एम हैप्पी अबाउट इट कि आपको इतनी डीप जानकारी किसी व्यक्ति ने दिया, या जी कोई लेडी ने दिया, या कोई जेंट्स ने दिया, जी जो हमारे ही समाज के हैं, क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी आगे उन्होंने जिस प्रकार से कंप्लेंट्स की हैं वो मैं समझ रही हूँ कि क्या बोल रहे हो आप। मैम, ऐसा भी आरोप है कि अभी बिशप कॉटन में जो चीज़ें चल रही हैं, CBSE। CBSE बिशप कॉटन में, उसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, और बार बार इसको ये भी जोड़ा जा रहा है कि बच्चों के स्कूल के टाइम पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कम से कम स्कूल के टाइम पे नहीं होना चाहिए, ऑफ द स्कूल, आप स्कूल के बाद भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे पिछले 2-3 दिनों में या फिर आज भी काफ़ी चीज़ें हुई जो पब्लिकली एक बैड इम्पैक्ट का मैसेज आता है, तो क्या आप लोग इस चीज़ को आफ्टर स्कूल टाइम नहीं कर सकते थे क्या? ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि स्कूल टाइम में जो हुआ है जी ये जिस हेडमिस्ट्रेस को ट्रांसफ़र पे भेजा गया जी और जिसने वो एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे वो ट्रांसफ़र लेना चाहिए, जी उसने करवाया ये अपनी बहन के द्वारा और जी एक टीचर के द्वारा। जी पुलिस का सख्त वहाँ पे पहरा था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया, और उनको सबको नोटिसेस भी मिली थी और मैनेजमेंट को भी नोटिस मिली थी कि वहाँ कोई भी प्रकार का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो आज आपने हेडमास्टर के रूम के सामने अपनी ही बहन को भेज दिया और एक टीचर को भेज दिया जो दरवाजे से चिपक गई और वो दरवाज़ा खोलने ही नहीं दे रही थी। अब मुझे आप बताइए, बिशप कॉटन CBSE जी किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, एक्चुअली ये मैम हम ये मैनेजमेंट कहना का है। चाहते हैं कि एक पब्लिक चीज़ें हैं, और आपकी MRBE भी एक पब्लिक ट्रस्ट है, और आपके जितने भी NDTA है, SSI है, MRBE है, ये सारी चीज़ एक पब्लिक ट्रस्ट है। जो चीज़ें दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाई जा रही है उसको। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज वी फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। जी जो MEPS के हिसाब से लिखा हुआ है, जी जो चैरिटी कमिश्नर के अंतर्गत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के आधार पे किया जा रहा है। ये कुछ चंद लोग हैं वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये इसकी वजह से ये लोग इस प्रकार का बिहेवियर कर रहे हैं। मैम, अभी जो आपने हाई कोर्ट से स्टे लाया है, स्कूल ट्रिब्यूनल के ऊपर का ऑर्डर पे एक स्टे लाया है आपने, तो क्या उसमें आपने कोर्ट को ये बताया कि
मॉडलिन तिवस्कर, उन्होंने आपको हैंड ओवर कर दिया, ऐसी कोई बात आपने अपने किसी जजमेंट कोर्ट को आपने बताया गया? 3 अक्टूबर 2022 को जी 2000 ऑर्डर दिया गया थे जी, और उसी दिन जब मॉडलिन को ऑर्डर दिए गए थे तो इमीडिएटली ट्रांसफर ऑर्डर भी सोनिया मैडम को दिए गए थे। सोनिया मैडम ने कोर्ट को ये बताया गया कि हाँ, तो सोनिया मैडम ने जो आदेश का पालन किया जी, उन्होंने आके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, तो नेचुरली हमारा तो स्कूल चलने लगा जी। एंड अब हम सोनिया मैडम को ही वहां एक्सेप्ट करेंगे एज एन हेडमास्टर, क्योंकि उसने आदेश का पालन नहीं, वो तो मॉडलिन को जाना चाहिए था ना, मॉडलिन ने क्यों नहीं, जब वो इंचार्ज हेडमास्टर 2020 में बनी है। इंचार्ज का मतलब क्या होता है कि आपको टेम्पररी चार्ज दिया गया है जी, और उसके बाद आपको दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है जिसके अंतर्गत में आपको अपने मैनेजमेंट को मानना ही है। यू कैन नॉट, जब आप ये एक्सेप्ट कर सकती हैं कि रचना सिंह का लेटर मेरे को एक्सेप्टेबल है टू बिकम द हेडमास्टर, तो मैं क्यों नहीं उसको ट्रांसफर ऑर्डर दे सकती हूँ जो निर्णय है मैनेजमेंट का। ठीक है, मेरा सवाल यही था, क्या आपने कोर्ट को यह बताया कि मॉडलिन तिवस्कर ने आपको हैंडओवर कर दिया है? सर्टिफाइड कॉपी लगाई गई उसके पास, उसको भेजा गया डाक के द्वारा, सब चीज भेजा गया एज पर लॉ, हमने लॉ फॉलो किया है उसके लिए। तो कोर्ट को ये बताया नहीं गया? बिल्कुल बताया गया। क्या आपने कोर्ट को ये बताया कि मॉडलिन तिवस्कर ने एज अ प्रिंसिपल आपको हैंडओवर कर दिया? वी हैव रिपोर्टेड एवरीथिंग, माय लॉयर्स हैव डन दैट, और मैटर सब जुडिस है, उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं अभी। अच्छा, क्या कोर्ट में ऐसी भी बातें हुई है कि आप स्कूल पे आप लोग का मतलब कब्जा हो गया है इस टाइप का, आप लोग ही स्कूल में बैठते हैं, जबकि जो तस्वीरें सामने हैं उसमें स्कूल पे आप लोग कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो कब्जा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये दो चीजें? देखिए, पूरा स्कूल अभी पूरी तरीके से मैनेजमेंट और जो हेडमास्टर्स है उसके द्वारा फंक्शन हो रहा है जी। वहाँ पे सोनिया मैडम फंक्शन कर रही है और जिस प्रकार से अभी एग्जाम पीरियड है, हम नहीं चाहते कि कोई डिस्टर्बेंस हो। हम वैसे ही बहुत दुखी है जिस प्रकार से दोनों बहनों ने बिहेव किया है और जिस प्रकार से एक ऑर्डिनरी टीचर ने बिहेव किया और एक ऑर्डिनरी स्टाफ ने किया, उस चीज को लेके हम लोग बहुत दुखी है एंड वी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। 30 जैन को मेरे ख्याल से स्कूल ट्रिब्यूनल का एक स्टे उन्होंने लाया एक्स पार्टी, और आप क्या आप स्कूल ट्रिब्यूनल में नहीं गए? आप उनसे कुछ बातचीत नहीं की? वहां गए हमने, वहाँ पे जज साहिबा मैडम को भी बताया हमने कि आप इस डेट जो आपने लंबी डेट दी है 13 तारीख का, उसके प्रीपोनमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पे जब हमें समझ में आया कि हमें हाईकोर्ट जाना चाहिए तो हमने हाईकोर्ट की तरफ मूव कर। एक फरवरी को आपको कोई कोई लेटर वगैरह मिला गया स्कूल ट्रिब्यूनल की तरफ से? कोई ओरल कुछ जानकारी दी गई क्या आपको जिसकी वजह से आपको हाईकोर्ट जाने की जरूरत पड़ी? नहीं, हाईकोर्ट तो नेचुरली एक रिलीफ हमें लेना ही था, उसके बारे में मैटर सब्जुडिस्ट है वीर जी, तो जी। मैटर हम नहीं बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा मैम, MEPS का एक्ट में सेक्शन 220 आपने आपका जो मैं कोर्ट का जजमेंट स्टे देखा उसमें ऐसा मुझे समझा कि आपने ये बताया है कि बिशप कॉटन स्कूल जो है MEPS के सेक्शन 220 के अंतर्गत वो MEPS के अंदर में नहीं आता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपको कि ये मैटर सब जुडिस है, मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मैटर कोर्ट में चालू है, वो वकील है। एक बार कोर्ट का निर्णय आ जाए फिर हम फिर से इंटरव्यू में हम आपसे इस चीज के लिए जिक्र कर सकते हैं। मैम, एक लास्ट सवाल, एक लास्ट टॉपिक पे हम आएंगे जी। आज यानी कि 9 फरवरी को आपके ऊपर सदर पुलिस स्टेशन में एक FIR हुआ जी, जिसमें टोटल 420 और अन्य धाराएं, टोटल लगभग 7 धाराएं आप पे दर्ज हुए हैं। क्या आपको मालूम है कि ये कंप्लेंट कब की गई थी आपके खिलाफ? इसकी जानकारी नहीं, ये भी एक्स पार्टी जजमेंट। मैं बताता हूँ, ये कंप्लेंट आपके खिलाफ अगस्त 2020 में की गई थी। अच्छा, और जिसका FIR आज दर्ज हुआ है जी, तो क्या आपको मालूम है कि अगस्त 2020 में कंप्लेंट किया गया और आज 9 फरवरी 2023 को यानी कि लगभग 1.5 साल के बाद, 1.5 साल के बाद FIR दर्ज क्यों हुआ? क्या आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अब ये बात तो है कि बड़ी दुख की बात है कि वो FIR मतलब दर्ज हुआ है जी, वो भी उन व्यक्तियों के ऊपर जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी जी गोल्डन जुबली बनाने के लिए, ओके, फॉर द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जी। आदेश हमको हमारे धर्मप्रांत से आया था जी, और वो
गोल्डन जुबली 27, 28, 29 ऑफ नवंबर जी 2019 को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हुई, जहाँ पे हमारे 27 धर्म प्रांत के सभी लोग आए थे जी, बाहर से गेस्ट भी आए थे और जी, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा वो और सभी लोगों ने इस चीज़ को सराहा जी। अब उसके बाद ये जो कंप्लेंट हुई है जी, इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है और जो FIR हुआ जी, अब वो मैं इसके लिए कुछ बोलूंगी नहीं क्योंकि ये मैटर फिर सब जुडिस्ट है जी, मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा अभी। मैम गोल्डन जुबली बहुत अच्छे तरीके से CNI ने आप लोगों ने उन्हें सेलिब्रेट किया जी, यानी कि 50वीं सालगिरह आपने उन्हें मनाया जी, ऐसा बोल सकते जी। आप आज के अफेयर में एक चीज और मेंशन थी कि सितंबर 2013 में CNI इलीगल है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एक ऑर्डर दिया है जी, जिसके जजमेंट कॉपी भी हमारे पास है। तो अगर 2013 में CNI इलीगल अगर सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर इस चीज को माना है तो फिर आप 50वीं सालगिरी कैसे मना सकते हैं अगर वो पिछले 10 साल लगभग 9-10 साल पहले अगर वो चीजें इलीगल सुप्रीम कोर्ट ने माना है तो। ये एक ही केस है मालविया केस जिसे हम कहते हैं जी, और ये बिल्कुल इसके ऊपर भी बहुत से केसेस हुए हैं जहाँ CNI के फेवर में सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है और हाई कोर्ट के भी ऑर्डर है, उसकी कॉपी मैं आपको दे सकती हूँ और आप देख सकते हैं कि CNI इज वन चर्च एंड जिस चर्च की क्लेम कर रहे हैं ये CIPBC डज नॉट एग्जिस्ट। और इस चीज को लेके काफी कोर्ट्स ने मतलब जहां जहां गए हैं वहां पे CNI को रिलीफ मिला है हर एक क्षेत्र में, तो ये बिल्कुल गलत है कि हम ये क्यों नहीं सेलिब्रेट क्यों नहीं करेंगे, हम तो 100 ईयर भी करेंगे है ना, सेंटिनियल भी करेंगे, हम गोल्डन जुबली भी करेंगे, 75 ईयर्स भी करेंगे, बिकॉज CNI इज अ ब्यूटिफुल चर्च और इस चर्च के अंतर्गत में जो लोग अभी CIPBC में गए हैं उन्होंने खुद ने बहुत एंजॉय किया है इस चर्च के अंदर में जी। वो खुद भी यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर रहे हैं और खुद ने अपने बच्चों को आज तक CNI के मेंबर रखे। जब एक ही उनके घर का सदस्य कहता है कि CIPBC का है तो आपकी वाइफ और आपके बच्चे CNI के मेंबर क्यों हैं भाई जी। और दूसरी बात यह है कि आप तो ऐसा कुछ काम करे हो जहां पे आप 2 साल जेल काट करके आए हो, तो ये बिल्कुल तो बिल्कुल गलत है। ये PC सिंह जबलपुर में एकदम हायर मेंबर वो भी जेल काट के, ये जिस व्यक्ति ने FIR किया है जी, वो ही उसी व्यक्ति के बारे में मैं बात करूंगी क्योंकि आपने मेरे को क्वेश्चन उसी व्यक्ति के लिए किया। मैं बता रहा हूँ कि आपके तो मैं वो दूसरा टॉपिक है, जेल आना जाना बड़ा कॉमन हो गया है, जेल आना जाना कॉमन हो गया है, उसके लिए भी मैं कुछ बोलूंगी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी उनके ऊपर सेंटेंस पास हो चुकी है, लेकिन मैं जो एक कंप्लेनेंट है उसके लिए बात कर रही हूँ है ना। तो ये बिल्कुल गलत है और इस प्रकार से उन्होंने जो इल्ज़ाम हम पे लगाए हैं, हम 6 पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है और द कोर्ट्स आर देयर टू सी, द पुलिस स्टेशन इज देयर। डेढ़ साल के बाद FIR हुआ तो उन्हीं को पूछिए ना, क्योंकि उन्होंने एक्स पार्टी लाया, कोर्ट ने CJM के तरफ से चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर आया पुलिस स्टेशन को कि इस इनके मामला दर्ज होना चाहिए और इसीलिए आज 1.5 साल के बाद 9 फरवरी को आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ जी। मेरे ऊपर नहीं, मेरे साथ आपके और भी साथ अन्य आपके साथ अन्य लोग हैं, है। आप हमारे साथ बैठे हैं, बिशप भी है उसमें, बिशप के साथ और भी लोग जो कार्यरत थे उस समय ऑफिस में, सेक्रेटरी ट्रेजरर वो भी है, हमारे एक ऑर्डिनरी पास्टर साहब का नाम भी है और मैं क्योंकि मैं कन्वीनर थी तो उन्होंने मेरा नाम भी डाला उसमें। चैरिटी से आपको परमिशन मिली थी 80 लाख रुपए जमा करने की गोल्डन जुबली के लिए, जैसा कि हमारे पास जानकारी है, और उसके बाद भी जो टोटल खर्च दिखाए गए वो 1,38,00,000 रुपए दिखाए गए। तो एज पर द लॉ ऑफ चैरिटी जो हमको परमिशन मिली थी उसके उसका जो खर्च था हमें डिपॉजिट करना था और उसका हिसाब किताब पूरा डिपॉजिट करना था, वो हमने एज पर द लॉ ऑफ चैरिटी किया है और हमारे पास परमिशन थी ये प्रोग्राम करने की और पैसे कलेक्ट करने की भी परमिशन थी, तो हमने लीगैलिटी में हमने कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया है। तो और जो वो सरप्लस की जमा नहीं हुए। जो सरप्लस की जो बात कर रहे हैं वो अकाउंट्स ऑफिस ही उनको बता सकता है क्योंकि मैंने एज अ कन्वीनर जो मेरे को बजट दिया गया था उसी हिसाब से किया, उसके बियॉन्ड जो है जो खर्चे हुए हैं वो अलग बात है, दैट इज बियॉन्ड। गोल्डन जुबली का खर्चा 1,38,00,000 रुपए था क्या? हाँ था ना।
और आपको परमिशन 80 लाख रुपए जमा करने। नहीं, परमिशन उसकी नहीं थी, परमिशन 7C के अंतर्गत में आप प्रोग्राम कर सकते हैं और कलेक्शन कर सकते हैं, उन्होंने कभी कोई टारगेट नहीं दिया था। हिस्लॉप कॉलेज की तरफ से इसमें कुछ डोनेशन दिए गए थे, एक अच्छा सभी संस्थाओं ने। नहीं, हिस्लॉप का काय को कहेंगे हम जी, वाई हिस्लॉप नहीं, हिस्लॉप से 17.5 लाख रुपए इसमें नहीं, ऐसा सुन, बाकी संस्थाओं ने भी दिया है। क्या सभी ने इसी तरीके का अमाउंट दिया है, 15 लाख 17 लाख? उतना नहीं दिया है, ट्रस्ट एसोसिएशंस ने दिया है, एजुकेशनल ट्रस्ट ने दिया। देखो जब कार्यक्रम होता है जी, तो सभी लोग देते हैं जी। और हम सबसे मजेदार चीज ये है कि CNI के मेंबर ने कंप्लेन नहीं किया है, एक नॉन CNI मेंबर ने कंप्लेन किया, ये भी तो आप देखिए। मैम यही तो बड़ी बात है कि एक नॉन CNI मेंबर कोर्ट से ऑर्डर लाता है और आपके और आपके साथियों को। एक्स पार्टी जजमेंट्स आजकल जो हो रहे हैं वीर जी, उसके लिए हम क्या कहेंगे जी, है ना। मैम एक और सवाल करना चाहूंगा जी, जबलपुर केस में स्पीसी सिंह मामले में आपको नोटिस आया NEW EOW से, है ना। मेरे को अकेली को नहीं आया नोटिस, आपके हस्बैंड को भी आया? नहीं, मेरे हस्बैंड को वहां से नहीं आया नोटिस, वो गलत इन्फॉर्मेशन। न्यू दिल्ली में बुलाया गया था 25 जैन को, वो अलग कंप्लेन है। हाँ, उस मामले से जुड़ा नहीं होगा, लेकिन उस मामले से नहीं है, तो हम दो चीजों को मिक्स ना करें, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आपको भी एक नोटिस आया और उनको भी एक नोटिस। हाँ, तो हम दोनों जो है वो की पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, तो नेचुरली मेरे साथ EOW के साथ और भी अन्य लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। मैं अकेली रचना सिंह, आप हैं, मैं हूँ, मेरे साथ और भी है, पीसी सिंह, डेनिस लाल सर भी है, बिशप दुपारे साहब भी है, बहुत लोग है हमारे साथ और भी है। आपको आप खुद EOW से भोपाल से बात कर लीजिए, तो उनको आपको एक लंबी लिस्ट देगी। वहाँ पे दो तीन बिशप्स का भी मेंशन किया गया है जो वहाँ पे उनको बुलाया गया है, और उसमें उन्होंने हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाई। दे आस्ट कि आप लोगों का जो कार्यरत था वो किस तरीके का था, और आपका जो यहाँ पे जो मेंबर थे वो किस तरीके थे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सप्लाई किया गया है। मैम बिशप कॉटन CBSE में अभी तक कुछ स्टाफ, चाहे वो जो गेट पे रहते हैं वो, या फिर जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो कुछ बहुत सारे ऐसे स्टाफ मिले जो बार बार ये शिकायत कर रहे थे कि उन्हें MRBE की तरफ से जो पेमेंट मिलता है उन्हें पिछले 2-3 महीनों से आपने पेमेंट होल्ड कर दिया है उन लोगों का। नहीं, तो क्या आपने पेमेंट सबके गए हैं? पेमेंट सभी के गए हैं? सभी के गए हैं। अच्छा, मतलब अभी जनवरी तक पेमेंट हो चुके हैं क्या? हाँ, सभी के पेमेंट जनवरी 2023 तक पेमेंट हो चुके हैं सभी के। सभी के। आज जो स्कूल में हुआ बिशप कॉटन CBSE में, उसमें कुछ जो गार्ड वगैरह थे वो गार्ड दूसरे स्कूल से आपने मंगाया हुआ था? हाँ, इसकी वजह दूसरे स्कूल से नहीं बुलाया गया जी, सिक्योरिटी एजेंसी को बुलाया गया। सिक्योरिटी एजेंसी को इसलिए बुलाया गया जी, क्योंकि उनकी जो छोटी बेटी है, लिलियन मकासरे मैडम की जो छोटी लड़की है जी, मॉडेस्टी जी, उन्होंने कुछ बाउंसर दोस्तों को बुला लिया था, बाउंसर फ्रेंड्स आए थे उनके, और अच्छा। उन्होंने एक लेडी को वहाँ रखा था, मैं उसका नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन एक लेडी को बुला के रखा था, और भंडारकर करके हैं, उनको बुलाया गया था वहाँ पे, और वो काफी बदतमीजी से जो परमानेंट स्टाफ है जी, उनके साथ व्यवहार कर रही थी। मैम तो इसीलिए वहीं की वहीं कमेटी ने निर्णय लिया कि हम मैनेजमेंट की तरफ से 2 गार्ड लगाएंगे वहाँ पे। क्या एक इत्तेफाक है कि आज ही मतलब 9 फरवरी को बिशप कॉटन CBSE में एक बड़ा हंगामा टाइप का माहौल रहा, और आज ही कुछ चंद घंटों में आपके ऊपर 1.5-1.5 साल पुराना एक FIR आपके और आपके साथियों के ऊपर कुछ मामले दर्ज हो जाते हैं, ये क्या है? मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं किस्मत वाली हूँ कि ये सब हो रहा है। एक थैंक गॉड। तो क्या 9 फरवरी आपके लिए बहुत लकी है? हाँ, बहुत ही लकी है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, गॉड ब्लेस द पीपल जिन्होंने करवाया, एंड गॉड ब्लेस। जबलपुर पीसी सिंह के मामले में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि बार बार अपने न्यूज में इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ कि आप पीसी सिंह के बहुत करीबी बताए जाते हैं, और आपको भी नोटिस आया था, और इसमें ईडी का भी कुछ इंटरफेयर सामने भी आया। ईडी का ले तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि उस मामले में मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ जी, और मैं इतना कह सकती हूँ मेरा सरनेम सिंह है और उनका सिंह है, इसलिए बोला जाता है करीबी है, लेकिन हम रिश्तेदार नहीं रहे और ना थे। बट वो 40 बॉडीज के वो चेयरमैन थे, और उस नाते वो सभी से क्लोज थे। अकेले रचना सिंह को या आइसोलेट किया जा रहा है चंद लोगों के कारण, और नागपुर में ही ये सब चल रहा है
बाकी जगहों नहीं चल रहा है। मैम आज का जो FIR है हाँ उसमें जो गोल्डन जुबली के ऊपर भी मतलब चीज़ें बताई गई, उसमें जो कुछ आपके सीनेट के जो वरिष्ठ लोग आए थे उन लोगों को कुछ गोल्ड वगैरह की भी चीज़ें भी आप लोगों ने गिफ्ट किया था, ऐसी भी खबरें आई, इतना VIP ट्रीटमेंट दिया गया। ये तो बिल्कुल गलत है, इस चीज़ का मैं खंडन करती हूँ। जबकि जो पैसे जमा हुए थे किसी न किसी मतलब एक धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, सामान्य गरीब लोगों ने भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया। ये बहुत बड़ी बदनामी करने की साजिश है, ऐसा कुछ भी गिफ्ट नहीं था उनके पास, उनको ना कोई गिफ्ट दिया गया, ना पीसी सिंह को स्पेशली कोई गिफ्ट दिया गया, नहीं कुछ भी नहीं दिया गया। वेरी सॉरी, ये बिल्कुल ये बदनाम करने वाली साजिश है। और इस चीज की जो बिशप आए थे उनको भी बहुत VVIP ट्रीटमेंट दिया गया, VVIP ट्रीटमेंट एक एक सदस्य को दिया गया। हमारे पास संडे स्कूल के बच्चे आए थे जो करीबन 150 से 200 थे, उनको भी हमने VVIP ट्रीटमेंट दिया, बिकॉज हमारे लिए बच्चे भगवान है। मैम दूसरी चीज़ ये थी कि आप लोगों ने जो अभी गोल्डन जुबली किया उसमें जो खाना वगैरह को लेकर के जो चीज़ें आप लोगों ने किया था, खाना और पंडाल, तो इसका कोई कोटेशन वगैरह आप लोगों ने जाहिर नहीं किया था, इसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी बताई जा रही है कि आप लोगों ने अपने मन से चीज़ें कर दिए, उसमें कुछ खाने के कॉस्ट्यूम वगैरह के भी कोई सामने चीज़ें आई, वो भी काफ़ी चीज़ें, उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर हम जानकारी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ले सके कि क्या कॉस्टिंग गई है, किस तरीके से चीज़ें गई हैं, एक रोटी की क्या कीमत लगी है, इसमें ये भी चीज़ें सामने आ रही है, तो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे। अलग अलग कन्वीनर्स बनाए गए थे और इस कन्वीनर्स के पास अपनी खुद की टीम थी जी। और उन्होंने बिल्कुल बजट के साथ में और उन्होंने कॉस्टिंग करके टीम कोटेशन को लेकर के उन्होंने ये किया, तो बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। अब ये 2 साल पुरानी बात तो है, लोगों को शायद ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि आम तौर के लोगों ने किस तरीके से पैसा जमा किया। आपने ये नहीं पूछा कि मैडम आपने ये 80 लाख रुपये जमा कैसे किए। हाँ। मैं इतना कहूंगी कि ये CNI के कॉन्ग्रीगेशन ने कंट्रीब्यूट करके किया, हर चर्च के इंसान ने और सदस्य ने कंट्रीब्यूट किया। बहुत सुंदर क्रिश्चियन बेस्ड प्रोग्राम्स हुए थे जिसके अंतर्गत में पूरी कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी आई थी। मैं सिर्फ CNI के लिए नहीं बोलूंगी, मेथोडिस्ट फैमिली भी आ गई थी उसमें, यूनियन चर्च भी आ गया था, एवेंजेलिकल लूथरन चर्च भी आ गया था, ELC चर्च भी आ गए थे, ये सब चर्चेस ने इकट्ठा, कैथलिक चर्चेस भी आ गए थे, हमने सब इकट्ठा एक परिवार होकर के ये काम किया था, तब मैंने ये 80 लाख रुपए जमा सकी। मैं ये आसान बात नहीं था, लेकिन वहाँ पे इतना सुंदर प्रोग्राम होने के बाद आप पत्थर मारने में लगे हुए हैं लोग, तो ये तो उनको शोभा नहीं देती, क्योंकि ये चंद ही लोग हैं जो ये कर रहे हैं। मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये चंद ही लोग हैं जिन्होंने खुद ने 1 रुपया नहीं दिया जी। खुद आकर के खाना खा के घर गए हैं वहां पे और अन्य प्रकार के प्रोग्राम देख करके गए हैं। अब वो हम लोगों की पूरी टीम को इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत बात। चलिए मैम अच्छी बात है, मुझे आपसे मिलकर पहली बार ऐसा देखने को मिला कि आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर भी खुद हैं, MRB के सेक्रेटरी एज होकर, और ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आप खुद की बॉस यानी कि खुद हैं, रचना सिंह की बॉस यानी कि रचना सिंह ही, ऐसा बोल सकते हैं आप? बिल्कुल गलत हो वीर जी, रचना सिंह के बॉस खुदा है, गॉड इज देयर, वो तो सभी के नंबर वन, नो नो फॉर मी पर्सनली, क्योंकि 20-21 साल से जो लेडी इतना सब कुछ देख रही है उसके होते हुए, जिसके ऊपर 3 टाइप के लोगों ने कम से कम 80-80 RTIs डाले हैं, हर प्रकार से परेशान किए, मैं उनका नाम मीडिया पे नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि मैं उनके तरीके से उस लेवल पे गिरना नहीं चाहती, लेकिन वो आज जब देखेंगे ये प्रोग्राम वो जरूर समझेंगे कि मैं उन्हीं के लिए ये बात बोल रही हूँ। और उन्होंने 20-21 सालों से मुझे परेशान किया, खुदा ब्लेस यू एंड ब्लेस योर फैमिली। दूसरी बात, आपने फिर गलत सेंटेंस बोला कि मैं ही खुद एम्प्लॉय हूँ और एम्प्लॉयर, नो, मेरी सर्विस बुक में इट इज द चेयरमैन हु साइंस, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी जो दिया गया है वो एक वैलिड ट्रस्ट ने दिया है और उस ट्रस्ट के अंतर्गत में मैं काम करती हूँ, मेरे साथ और मेरे ऊपर मेरे ट्रस्टीज बैठे हुए हैं एंड वी लिव बाय द लॉ ऑफ द लैंड। ये बिल्कुल गलत बात है। आप बाकी ट्रस्ट में भी देखेंगे, जैसे आप धनवटे नेशनल कॉलेज में भी अगर देखेंगे, मैं क्यों क्रिश्चियन ट्रस्ट के बारे में बात करूँ, धनवटे नेशनल कॉलेज में जाके देखिए, उनका प्रिंसिपल ही वहाँ का सेक्रेटरी है, वो आता ही है बाय रूल प्रिंसिपल ऑब्लिक सेक्रेटरी। विल्सन कॉलेज मुंबई, प्रिंसिपल ऑब्लिक सेक्रेटरी। सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली, प्रिंसिपल ऑब्लिक सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब यही है कि नेचुरली द पर्सन मस्ट हैव गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड। वो सिर्फ एक स्कूल के प्रिंसिपल रखी है, स्कूल के सेक्रेटरी नहीं, लेकिन आप ये तो नहीं MRB के सेक्रेटरी है। विल्सन कॉलेज, नो सर, विल्सन कॉलेज के अंतर्गत में 9 स्कूलें आते हैं, वो वहां के
वो वहाँ के जो सचिव है, और MEPS में भी अगर आप देखते हो तो स्कूल कमेटी में जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है जी वो मैडम को जरा पूछना चाहिए ना आपको कि ये इल्ज़ाम आपने मैडम के ऊपर जो लगाया, खुद ने जो कुछ किया है आप उसका खुलासा करिए ना। मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि उनका खुलासा करने के लिए हम किसी आपको का बुलाएंगे, नाम नहीं ले रहा हूँ कि इसीलिए मैंने भी नाम नहीं लिया, लेकिन आप मुझे सिर्फ वो समझेगी जब मैं मीडिया पे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उसको रग रग जानती हूँ वो क्या कर रही है। ठीक है मैम। मैम आज बिशप कॉटन ने CBSE में टीचर को ऐसा लॉक कर दिया गया था, और उनका स्टेटमेंट हमारे पास है कि उन्हें पता नहीं था और इस तरीके से वो अपने आप को लॉक फील कर रही थी स्कूल में, इस तरीके से टीचर को लॉक कर दिया गया। तो वीर जी मेरे को पहले बताइए वो टीचर का नाम क्या है। मैम वो KG 1-2 के साथ क्लास टीचर है, तो मैं उनका नाम नहीं जानता। भसीन मैडम ये है मैं क्या? भी भसीन मैडम ही नहीं आप मे भी मत बोलिए, क्योंकि कैसा है जी वही लेडी है जो डे वन से कंफ्यूजन कर रही है। पहले सबसे पहले उसने पेरेंट टीचर्स को बुला ली, पूरे पेरेंट्स को बुला ली थी जी जब ये ट्रांसफर ऑर्डर का हुआ, तब जी उसने पूरे पेरेंट्स को बुला करके इकट्ठा करी, जिसे मुझे इंटरवीन करना पड़ा, पेरेंट्स से बात करना पड़ा, एक एक को समझाना पड़ा, और फिर वापस बच्चे आए, और फिर मैं इंडिविजुअली पेरेंट्स को सोनिया मैडम के थ्रू फॉलो अप लेती रही कि जब तक मामला शांत नहीं हुआ। जी ये टीचर ने एक चीज़ और किया, कोर्ट का हाई कोर्ट का आदेश आया है 7 तारीख को शाम को 6:30 बजे, इसके बाद 8 तारीख को सुबह 8:30 बजे सबसे पहले आती हैं मॉडलिन की छोटी सिस्टर मॉडेस्टी, और आ करके उन्होंने प्रिंसिपल के ऑफिस को ताला मारा, उसका वीडियो फुटेज हमारे पास में है। जब आपको पता है कि ये स्कूल आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ कि वो उनका ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन एक ऑर्डिनरी टीचर को किसने अधिकार दिया है प्रिंसिपल के ऑफिस को ताला लगाने के लिए, ये एक बहुत बड़े चर्चे की विषय है। ये कौन से डेट की बात है? ये है 8 तारीख की बात। अच्छा 8 तारीख की सुबह 8:30 बजे की बात जी। उसके बाद हाँ 8 तारीख के स्कूल ख़त्म होने के बाद जी, आप ये बात नोट करिए, स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं वहाँ पे सारे ट्रस्टीज को लेकर के गई हूँ करीबन 2:30 बजे, 2:30 से 3 बजे जी, बच्चे चले गए थे जी, हमने स्टाफ को एड्रेस किया, हमने ये भी बोला कि ये सब चीज़ों में आप डिस्टर्ब हो रहे हो, उस चीज़ के लिए हमने माफ़ी भी मांगा जी, क्योंकि बींग अ मैनेजमेंट हमको ये दर्द होता है कि ये इस प्रकार का हलचल एक ही स्कूल में हो रहा है, जो इतने बड़े बड़े स्कूल है, जो हमारे पास चंद्रपुर में दो दो बड़े बड़े स्कूल है, यहाँ पे बिशप कॉटन हाई स्कूल है, चंद्रपुर में जो स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल भी आपके MRBE के ट्रस्टी हैं क्या? हाँ है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही हैं। बिल्कुल है, अच्छा, बिल्कुल है। भंडारा में भी हमारे पास स्कूल हैं, वहाँ कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, सिर्फ यही स्कूल में क्योंकि आपको ट्रांसफर ऑर्डर का पालन नहीं करना है, तो आप बताइए ट्रांसफर ऑर्डर का अगर आपको पालन नहीं करना है तो आप इस प्रकार से डिस्टर्ब करेंगी बच्चों को, एंड वो भी आप जान रही हैं कि आपको ट्रांसफर ऑर्डर क्यों दिया गया है। आप पहले अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करिए, आप देखिए कि आप कहाँ हो। ठीक है, लेकिन आज जो बच्चे और आज बंद जो कर हुआ बंद, और उसके बाद जी आज 9 तारीख को पुलिस ने हमसे कहा था कि आप 9 बजे सुबह तक वेट करिए, उसके बाद 9:10 पे आप सदर पुलिस स्टेशन ने, और उनको आदेश आया था CP ऑफिस से ओके, कि कोई भी ऑफिस बंद नहीं रहना चाहिए। ये पहली बार भी CP साहब ने कहा था और अभी भी कहा कि कोई भी ऑफिसेस बंद नहीं रहना चाहिए, सारे दरवाजे खुले रहना चाहिए। तब भी वो मैडम ने सील करके भागी, हमने ये बात का इतला किया और उसकी कंप्लेन की कॉपी भी है हमारे पास, एक नहीं दो दो बार कि उन्होंने ये काम किया। उसके बाद वो चिपक के दरवाजे पे खड़ी हो गई, तमाशा तो सर जी उन्होंने किए हैं तो वो दोनों मैडम तो लॉक लगा दिया गया था और तो उन्होंने उन्होंने लॉक लगाया, खुद लॉक लगाया था, मेन गेट को लॉक लगा हुआ था, बाहर गेट क्योंकि बच्चों का परीक्षा चल रहा था, और अंदर में कैसा डिस्टरबेंस होगा है ना। तो ये बात आप सोचिए कि परिस्थिति उनको किसको लॉक लगाया, जो भसीन मैम की बात कर रहे हैं आप, उनको किसी ने लॉक नहीं लगाया वो सर, बंद थी। नहीं बंद नहीं थी वो, कुछ उन्होंने एक झूठी झूठी कंप्लेन भी दी है दो बार, वो तो जा रही थी गेट तक, वो गेट तक जा रही थी, बार बार आ रही थी, और उन्होंने क्लास अपना बच्चों को छोड़ छोड़ करके गेट पे गई है, ये भी बात है। तो आप व्हाट इज योर परफॉर्मेंस एज अ टीचर, कैंटीन जा रही थी, कैंटीन में जा रही थी सर, ये आप भी जानते हो रियलिटी क्या है, और आप सही चीज जानते हो क्योंकि आप वहां मौजूद थे। अच्छा
अच्छा, और एक्सटर्नल शायद उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जाता। हाँ, एक्सटर्नल के लिए तो एक्सटर्नल के लिए अगर वहाँ पे रोका गया तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ 100%। वो गलती हुई है और वहाँ पे जो स्टाफ खड़ा था उससे गलती हुई है, ये बात मैं मानती हूँ। जो चीज गलत है, जो लोग आपने देखिए जो चीज गलत है उस चीज के लिए मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ कि एक्सटर्नल को तकलीफ हुई है। उन्होंने आई कार्ड वगैरह भी दिखाया, आई कार्ड भी दिखाया, उसके बावजूद अगर नहीं जाना दिया तो वो जरूर से जो स्टाफ खड़ा है उसकी गलती है वो। और कॉलेज की एंट्री CBSE कहीं और से, लेकिन उनकी एंट्री स्टेट की तरफ से कराई जा रही थी। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे एक नहीं 3 या 4 प्रकार का प्रॉब्लम आ चुका था, इसलिए हम नहीं चाह रहे थे कि वो गेट पे ही प्रॉब्लम खत्म हो जाए, क्योंकि बच्चे जब अंदर रहते तो कोई प्रकार का डिस्टरबेंस होना नहीं चाहिए। NDTA में आप ट्रस्टी मेंबर हैं क्या? हाँ, NDTA में नागपुर डायसिसन ट्रस्ट में यही साल में हुई हूँ, उसके पहले नहीं थी मैं। 2021 में आप नहीं थे, अभी हुए 2022 में, आई थिंक जून 21 में हुई मैं। जून 21 में आप हुए, तो उसमें शेड्यूल 1 में आप लोगों का नाम आ चुका है क्या? शेड्यूल 1 में प्रोसेस चालू है, क्योंकि एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस रहता है, चार्टर्ड कमिश्नर में इतना जल्दी काम नहीं होता है, आपको पहले चेंज रिपोर्ट डालनी पड़ती है एंड एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। जैसे आपने चेंज रिपोर्ट डाला तो बहुत से लीगल केसेस जो है वो ये दर्शाते हैं कि यू कम इनटू पावर एज बीइंग ट्रस्टी। तो अगर शेड्यूल वन में नाम नहीं है उसके बाद भी क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं क्या? उसके लिए तो परमिशन लगती है मेरे ख्याल से ट्रस्ट चैरिटी की तरफ से, तत्काल परमिशन बोलते हैं। हाँ, तत्काल परमिशन तो नहीं कहूँगी मैं, बट एक बार आपने चेंज रिपोर्ट डाला तो देर आर सर्टन जजमेंट विच क्लियरली स्टेट कि वंस यू पुट द चेंज रिपोर्ट यू बिकम ऑपरेटिव एज ट्रस्टीज। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जजमेंट्स में, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट के जजमेंट में लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ इम्पोर्टेंट फैसले लेने के लिए चैरिटी की तरफ से एक परमिशन लेनी होती है इसके लिए। हाँ, 36 है कि अगर आपको बेचना है, अगर आपको जमीन बेचना है तो आपको डेफिनेटली चैरिटी कमिश्नर से परमिशन लेना। गेसंस मामले में 30 जनवरी को कोर्ट का एक फैसला आने वाला था, उस मामले में कोई क्या बताना चाहेंगे, क्या फैसला है उसके स्टे के ऊपर? एक्चुअली NDTA की मीटिंग हुई नहीं है तो मैं उस चीज के लिए चर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि उस चीज में आप लोग ने जरूर मेरे को दर्शाया कि मैं उसमें एक पार्टी हूँ और मैं PC सिंह जैसे कम पकड़ाए गए वैसी मैं पकड़ाने वाली हूँ, ये बिल्कुल गलत है। गेसन्स का मामला जो है वो ट्रस्ट में डिस्कस हो चुका था जब बिशप राठौड़ थे यहाँ पे, और वो क्यों हुआ है उसकी उसकी बहुत बड़ी इतिहास है, क्योंकि CNI SSI एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ गया था। उन्होंने एक शॉप दे दी थी दीवा सलून करके, और उसके अंतर्गत में उन्होंने उनका जो फिक्स डिपॉजिट था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था उपाध्याय मैडम ने अपने स्टाफ का पेमेंट करने के लिए, और उन्होंने शायद अपने बोर्ड से परमिशन भी ली होगी, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं उस बोर्ड की मेंबर नहीं हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे को उस चीज़ पर चर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, CNI SSI के बारे में, SSI के बारे में नहीं। और दूसरी बात है जो NDTA का मामला है वो मैं इसके लिए इतना जरूर बोलूंगी कि NDTA में जो गेसेंस का प्रॉब्लम चल रहा है वो वेल डिस्कस्ड विद CNI SSI था जी। और मैडम को नहीं सस्ते में, नहीं सस्ते में मैं नहीं उसके बारे में डिस्कस करूंगी सर, लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगी कि वो डिस्कस हुआ था और उपाध्याय मैडम को एक एक चीज की जानकारी थी, तब भी उनका प्रॉब्लम NDTA के साथ चल रहा है और इसकी वजह से काफी कुछ प्रॉब्लम्स NDTA के अंतर्गत आए हैं प्लस CNI SSI में, और काफी कुछ मनमुटाव भी हुआ है। थैंक यू, आज आप अपना कीमती समय हमें दिए और बहुत सारे तीखे और साधारण सवालों को भी आपने हमें जवाब दिया, और फिर से अगर इन फ्यूचर में कुछ सवाल अगर होते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि एक बार कभी आपको और आना पड़े तो जरूर इसी आप टाइम दीजिए, और जो भी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो और हम सिर्फ सच दिखाएं। मैं भी धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने पहली बार जो है मुझे इन्वाइट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका तो काम मीडिया का है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगी जब आप सच्चाई से सब सच सामने लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।